चलिए चलो मम्मी को भी बना के देंगे हम लोग। देख ली मैं, ठीक है कोई नहीं, आपको भी बना दूंगा। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आज बना रही हूँ ब्लैक चने, और आपको ब्लैक चने की रेसिपी मैं इसमें जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए बताते हैं हम अपने स्टाइल में कैसे बनाते हैं चने। वैसे तो सबका तरीका सेम होता है, बट हम कैसे बनाते हैं वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या सबका तरीका ऐसे ही होता है या कुछ और तरीके में भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस में रख दिए चने बॉयल होने के लिए। सुबह से उनको भिगो रखा था और अभी बॉयल हो चुके हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तैयारी हमारी प्रॉपर है। बस तड़का लगाना, तेल थोड़ा ठंडा हो जाए ना, नहीं तो एकदम से आवाज़ आती है और सारे जगह छींटे छींटे हो जाते हैं। ये हमारा प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इकट्ठा मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया। और ये है हमारा टमाटर जो कि मैंने अच्छे से ग्रेट किया हुआ, इसको मैंने मिक्सी में नहीं करा। तो इधर जो तेल है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको ठंडा कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें डालूँगी जीरा। तेल गाइस आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट ज़्यादा नहीं है, ये तड़के के अकॉर्डिंग सफिशेंट है, नहीं तो प्याज जब नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। ये है मेन पार्ट जो कि अलग तरीके से हम बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, ये हमारे बॉयल्ड चने थे, इसमें से कुछ चने मैंने ऐसे अलग कर लिए क्योंकि इनको करना है हमें ग्राइंड। क्योंकि जो चने होते हैं ना, इनकी तरी जो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तो इनको हम अच्छे से करेंगे ग्राइंड। कुछ तो इसमें भी है बट हाफ मैंने निकाल लिए, हाफ इसमें रहेंगे। तो ये है प्रोसेस, इसको हम ठंडे होने पर करेंगे अच्छे से ग्राइंड। चने जो है वो पीछे इस तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। इसमें हाँ पंकज जी आए थे, कुछ हमें बाय करना था जिसकी वजह से हम पहुँचे यहाँ पे। लेडीज़ को उन चीज़ों की ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है, चाहे वो पहनी हो या ना हो, बट हमें लेके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरह से की है जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी होगी और उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। वैसे भी हम क्या करते हैं, इतने कपड़े महंगे महंगे खरीदते हैं जिसका कोई आगे फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है जिस टाइम पे पहनते हैं अच्छा लगता है, बट बात मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें चीज़ वो लेनी चाहिए जो कल को हमें प्रॉफिट देके जाए और हमारी जो है वो नीड भी पूरी हो, देखने में भी अच्छी लगती है। तो गाइस ऐसे ही कुछ मैंने अपनी शॉपिंग करी, मैं आपको दिखाती हूँ। कल एक्चुअली ज्वेलर के पास गई थी, काफ़ी टाइम से ना वो मेरे पास बैंगल्स तो है बट वो इतनी बड़ी है ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे पार्टी वेयर लुक देते हैं, तो डेली रूटीन में अच्छी नहीं लगती है। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं अपने लिए बैंगल्स लूँ सिंपल सी, जो कि मैं डेली रूटीन में पहन सकूँ, ऑफिस वेयर भी हो और ज़्यादा चटक भी ना लगे। तो ऐसे ही कुछ तो गाइस मैंने अपने लिए शॉपिंग करी है, ये वाली बैंगल। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। और आज है संडे, मैंने घर पे सबको दिखाई, सबको डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। कल शाम को मैं और पंकज जी गए थे, काफ़ी टाइम से वैसे मैंने लेनी तो नहीं थी बट पंकज कहते अगर लेनी है तो फटाफट ले ले, तो फिर मैंने विदाउट सोचे समझे अपनी जो है वो ले ली है। इससे क्या है, बेनिफिट ही रहता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। अब ये जो बाजू है ना, आपको मेरी सूनी हुई नहीं दिखाई देगी, अब मैं चूड़ी पहना करूँगी क्योंकि डेली रूटीन में क्या रहता है कुछ ना कुछ, ये इतनी ओवर भी नहीं लगती। वैसे तो मेरे पास कड़े हैं जो मेरे को शादी के टाइम पे मेरे इन-लॉज ने डाले हुए हैं, बट उनको मैं कभी कभार फंक्शन पे पहनती थी। और अभी मैंने जो खुद से मेरे को पंकज जी की हेल्प से ये वाले जो कड़े हैं वो मिले हैं, चूड़ी है ये बैंगल, तो मैंने सिंगल लिया। तो अभी जैसे घर वालों को दिखाई, कहते जहाँ एक ली वहाँ दो ले लेती, तो फिर अभी मेरा माइंड थोड़ा ना घूम रहा है कि हाँ अच्छा डिसीजन है, दो ले लेनी चाहिए, बट मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग एक ही ली है। अभी पंकज जी ने भी बोला ठीक है ले लेते हैं, तो फिर मैं एक बैंगल देखते हैं कब लेते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। जब मेरी शादी हुई थी तब गोल्ड का रेट हमने 2015 में बनाया था, उस टाइम पे का रेट और आज का रेट कंपेयर करते तो तीन गुना जो रेट है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में हमें ये वाला रेट सस्ता लगेगा कि हाँ उस टाइम पे ये सस्ता था तब ले लेना चाहिए। तो ऐसा है, ये गोल्ड के रेट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना
मैं अपने लिए अभी बनवा लेती हूँ, जो कि फ्यूचर में अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि सानवी की डिमांड हो रही थी, उसको मैक्रोनी खानी है। मैंने रखा है तड़का। तो गाइस, विदाउट वेजिटेबल्स मैंने आज मैक्रोनी बनाई है, क्योंकि ना ही मटर थे घर पर और ना ही शिमला मिर्च, तो हमने सिर्फ प्याज और टमाटर से बनाई है। शाम के हो चुके हैं 5:30 और हमारे सामने हो रहा है सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में लाल हो जाएगा सूर्य देवता। और गाइस, इधर मम्मी जी क्या कर रहे हैं, आज क्या बना दिया? क्या बात है गाइस, आज दाल बन रही है। कौन सी दाल बनेगी ये नहीं पता, बट मिक्स बने तो सबसे बढ़िया। क्या बात है, वही बनी है। ओ क्या बात है, मैंने सोचा कि तुम्हारा वीडियो में एडिट करके मैं दूंगा। क्या वैसे मम्मी को मिलने का मन हो गया, मैं समझ गया कहते आई मिलन तू। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੜੀ ਆ ਬਣਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਗੰਜਨ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਮੰਮੀ ਕੇ ਲਈ। ਬਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ? ਪੌਣੇ 2 ਤੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 15 ਗ੍ਰਾਮ, ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਤੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 15 ਗ੍ਰਾਮ 260। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਲੇ ਚੱਲਦਾ? 71,073। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬਣਨੀ? ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲੈ ਨਾ ਬਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ। ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? ਸਭ ਕਹਤੇ ਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਹਿਨਣੇ ਦਾ। ਰਾਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਚਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ। चलो कोई बात नहीं। कितने की बनी है ये? बन गई 123। 1,23,000 की? क्या बात है, एक्चुअली इतना गोल्ड वैसे अच्छा कंजे शराब दो मत लेते, ज्यादा बढ़िया सस्ता होना था। हाँ, होगा तो मम्मी के आज मारे कहते ले ले एक और ले ले, तो उसका बजट बना ले अपने आप ले ले। रहा था कि शायद कोई गुस्सा होगा, कहते नहीं बहुत अच्छी चीज है, वैसे भी तो फिजूल। एक बात बताओ, हमारे हाथ में जो अभी वीडियो बन रहा है ना, चलो ये आईफोन है 80,000 का लिया था, अभी तो 79 का हो गया, ये 250। नहीं, 1 लाख के अराउंड पड़ गया था, 95 के करीब। हाँ, उस वक्त 90,000 का था, 80,000, हाँ 90,000 का था, और उसके बाद इसके वो 1,00,000 रुपए का पड़ा। और इसकी वैल्यू जो अभी मार्केट में बेचने जाओ, जो अभी iPhone 15 से हमारा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, वो होगी अप्रोक्सीमेट 40,000, 50 से 256 GB है ये वाला, जिसमें भी कंचन की वीडियो शुरू। और गोल्ड अगर पहनेंगे, अगर वो 1,25,000 का है, iPhone Pro आ जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, बट इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब फोन है, फोन भी चाहिए, ठीक है, अब ऐसे नहीं भागना चाहिए। iPhone 16 आ गया तो उसकी तरफ भागें, बाकी आपकी मर्जी, हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को गोल्ड पसंद होता है, किसी को नहीं। बट हाँ, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है आपको फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर के लिए। आज का यूथ को ना सेविंग की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, और आज के टाइम में फटाफट से खर्च करना चाहता है और सेविंग नहीं करता, जिससे फ्यूचर में जो क्या कहते हैं हमें जेलनी पड़ती है ना, दिक्कतें बहुत होती है। तो अपने जो कपड़ों के एक्सपेंसेस या कुछ एक्सपेंसेस ये कटाइए, म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस में, गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, ताकि आपका भी फ्यूचर प्लान बढ़िया हो। और वैसे भी जो ये वाली एज हो जाती है ना, तो आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। नो डाउट हमारी ऑडियंस बहुत मेच्योर है, समझदार है हमसे ज़्यादा, लेकिन क्या हमारे ये डिसीजन अच्छे लगते हैं? स्पेशली कंचन का वीडियो मैंने एडिट किया, काफ़ी अच्छा लगा, सही डिसीजन है, बढ़िया है, और मेरे को अच्छा लगा, मेरे को भी माता को बनानी है। लेकिन हर बार पता क्या होता है, मैंने पता क्या सोचा कि पहनी तो एक एक ही ले लेते, बट मेरी भाभी ने, जेठानी ने, मम्मी ने कहते जहाँ एक बनवाई दूसरी भी बनवा ले, चल फिर दूसरी तो भी बनवा ले, एक घड़ी है। हाँ, ये भी तो उस टाइम पे महंगी थी, अब इसकी वर्थ कुछ भी नहीं। बट क्या है कि मैरिज फंक्शन वगैरह में पहनो, दूसरी आर्टिफिशियल पहनो, बैंक जाना डेली, तुम्हें पता है रिसेंटली आज से 6-7 महीने पहले रास्ते में दिक्कत हुई थी, फिर वही तो मुश्किल तो होती है, फिर क्यों करना। चले गाइस, मम्मी मम्मी का भी मन करता है ना, कोई बात नहीं, मेरा नहीं मन करता। दाल को तड़का लगा रहे मम्मी को, दिखाया मेरा नहीं मन, देखते मम्मी के, ये देखो मैं देख ली थी, है देखी आजकल, देखा कल फोन नहीं दिया था। चलिए चलो मम्मी को भी बना के देंगे हम लोग, देख ली मैं, ठीक है, कोई नहीं, आपको भी बना दूंगा, बना दूंगा। मैं फोन सोच रहा था लेने को, फोन नहीं लेना मैंने, ये बना लूंगा। अच्छा, आपने मेरे में कुछ और चेंज नहीं देखा तेरे चेहरे पे? हाँ, रौनक आ गई। अच्छा, टॉपर्स पहने हुए? पहले बूझो तेरे वो नहीं दिखते पे जेडे मार्क्स होंगे, जिदा पिगमेंटेशन है ना, ये नहीं दिखा। अच्छा, बाल कटा के चले गए, कुछ चेंज हो गया ये है?
तो मेरे से रहा नहीं है, मैं के मम्मी को मिल गया। अरे मैं के मैं वो कैसे लगती पी शिल्पा शेट्टी अच्छा बढ़िया वो सही है यार। किसको करवाए? उसको रॉयल को। अच्छा अच्छा सही है पहले तो कटवा ले नहीं थे। हुआ क्या, मैंने रास्ते में मम्मी को फोन करा, मैं मम्मी सब्जी तो नहीं कट रहे पे? कहते नहीं। मैं मैं ना पनीर लेके आनी भुर्जी बनानी। मैं हाले फोन किए तेन थोड़ा टाइम होया मेरा टाइम कहते होने की घर पहुंच जब तुमने ग्रीन सूट पहना था एक बार तुम वही से तैयार हुए थे? नहीं वो तो सवेरे बनाना। अच्छा नहीं आज, अच्छा कल मिले तो मेरे बाल नॉर्मल कोई गल नहीं। मम्मी ने दाल बनाती वधिया वधिया तड़का लग रहा है। और मम्मी दी हेल्थ रिपोर्ट से पता लग ही गया होना। मैं मेनू कल कोई टेंशन सी पर थोड़ा ध्यान रखो इन्हां दे वर्त गुर्त करो बंद। कहने मैं बर्त रहे हूँ पर दो चार रह गए। कहने उजम लेना वो सानू ऑडियंस ने भी बोलिया कि उजमा दो। मम्मी ने भी यही बोला। हाँ उजमा के पता की कहंदे सवेरे कंजर पता क्या है मम्मी दी रिपोर्ट से। मैं कहंदा दी शुगर वधी। मैं कि एक तो वर्त रखन नहीं आदे। कहंदे उजमा दो उहनां दे वर्त सारे। मम्मी और वधिया की खाना तू ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮੀ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਇਹ ਰੰਗ ਡੈਰੀ ਬਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਖਲੇ ਖਲੇ ਮੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 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 ਘਰ ਮੇ ਲਾਣਾ ਛੋੜ ਦੋ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਰੂਪੇਟ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕਾ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਰੂ ਜੇ ਦਿਖਾਉ ਤੇ ਰੂਪ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈ ਕਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਾਇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਲੌਗ ਕੰਚ ਨੂੰ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲਗਾ और कंचन के देखिए चंदो की सब्जी बनाई आधी अधूरी सामने बोल नहीं पूरी बनाई है। पूरी बनाई सही तरीके से शूट नहीं हुआ फिर जो जो पार्ट मिला वही गया। उसके बाद आप बैंगल्स दिखा रहे थे शायद वो भी नहीं गए। वो देखो जरा देखो जरा मैं नहीं पीनी मेरे को पिलाने मैं भी नहीं पीनी ननु लाने खुद भी नहीं पीनी। पता क्या है कंचन साढ़े आज चॉकलेट देख रहे हो उन्हें मैं कोल्ड ड्रिंक देने मैंने चॉकलेट दे देना चीजें तो ननु बिल्कुल ही बंद करनी पड़नी ठीक है। जरूरी नहीं कि खान पीन करके कुछ स्ट्रेस करके भी हो सकता है ना। आगे मम्मी सैर कर दे तो सैर भी बिल्कुल बंद है। तूने बंद कर दिया मोटापा भी इसे लगा है मोटापा मैं केड़ा भूता खांदी है। अपना टेस्ट है ऑडियंस बोल दे बोलने में ना जो सुन सा की आवाज आती है आपकी पता क्यों आंदी? मैं हर काम इतनी जल्दी जल्दी च कर दी ना वो फटाफट फटाफट वो सा चढ़े उनका काम खत्म हो गया कि उसके पीछे फ्लो चल रहा है। धीरे धीरे करो सुबह उठ के योगा थोड़ी सी एक्सरसाइज ठीक है। चलिए गाइस फिलहाल इस वीडियो को दोनों भाई बहन एंड करते हैं। और कैसा लगे छोटा सा आपको ब्लॉग हमारी फैमिली डिस्कशन और मेरी कटिंग बताना कैसी हुई है? फिर से वही हेयर स्टाइल है जो आपने पहले देखा था? नहीं कटिंग था मुच्छा तो कटाई है हमने कितने मुच्छा समय है नहीं मुच्छा गाइस। चलिए गाइस फिलहाल मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। कंजन को चाय पानी कॉफी पिलाते हैं हम चॉकलेट खाते हैं तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय। और गाइस आज मेरे में ना मैं व्लॉग जरूर बना रहा हूँ मेरे दिल में घबराहट हो रही है पता नहीं अजीब सी मेरे को ना क्यों? पता नहीं क्यों। चलिए गाइस फिलहाल मिलते हैं आपको अगली वीडियो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय बाय। और मैं कैसे लग रहा हूँ? मैंने भी ट्रिमिंग करवाई है कटिंग नहीं करवाई। मम्मी कह रहे तू मानने का तो नहीं कोई बात नहीं करवा ली जब करवा ली नहीं तो मम्मी मना कर रहे शरार हो गए तो कंचन करवानी पड़ेगी क्योंकि बढ़ जाएंगे। पहले ही करवा लेता आज करवा सकते थे आज की बार मंगलवार तुम्हें तो श्राद्ध जी करा के आई। नहीं मैं कल करवा ली कल सोमवार से का। चलिए गाइस आज बाबा सोडल का वो था मैंने लगाया हुआ। हाँ देखा मैंने देखा। मेरा मन पता क्या था अनविक 5 साल का हो गया तो मैं इसको लेके जाती हूँ वहाँ पे बट एग्जाम चल रहे हैं कोई बात नहीं हम पता क्या इसके एग्जाम कब खत्म होंगे हम देखेंगे कहीं ना जाएंगे घूमने के लिए शिमला शिमला जाएंगे तो चले गए इस ब्लॉग को भी कर रहे हैं पे एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नए ब्लॉग में तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।